ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में बेटा बात हो रही थी। मैंने आपसे गालबन टर्पिनॉइड्स की बात करनी थी। बेसिक मैंने आपको रिवाइज करा दिया था, दे हैव आइसोपिनॉइड यूनिट्स। आपको टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स के बारे में बताना है। असल में इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है, कि इनकी एग्जाम्पल्स क्या है इसके बारे में आपको बताना। टर्पीन्स, इसकी एग्जाम्पल में आपको मिल रहा है वाइटामिन ए, वाइटामिन बी और वाइटामिन के। इसके अलावा वाइटामिन ए, डी, के अलावा मेंथॉल, लेमोनी, जेरेनियल, ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। और आपको तमाम के अंदर क्या मिलेंगे, आपको तमाम के अंदर जो है वो आइसोपिनोइड यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको तमाम के अंदर जो है वो आइसोपिनोइड यूनिट्स मिलेंगे, C5H8 यूनिट्स मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद आ रहे हैं फर्दर, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स के बारे में अगर बात करूं, इसके अंदर आपको मिलेंगे कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्ट्रॉन। ABCD, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 कार्बन वाला आपको स्टीरॉइड न्यूक्लियस मिलेगा इसके, ठीक है। 17 कार्बन कंटेनिंग स्टीरॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। आप उसके अंदर 17 कार्बन कंटेनिंग जो है वो स्टीरॉइड न्यूक्लियस मिले। एंडोस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल वगैरह, ठीक है, ये सारे इसी के अंदर आ जाते। इसके अलावा तीसरा जो आपको ग्रुप मिलेगा वो आपको मिलेंगे कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स के अंदर आपको मिलेगा कैरोटीन और आपको मिलेगा ज़ैंथोफिल, ठीक है। कैरोटीन मिलेगा और आपको मिलेगा ज़ैंथोफिल। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, और इस लॉन्ग चेन फैटी एसिड के अंदर
आपको मिलेगा 6 कार्बन रिंग, ठीक है, 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग आपको दोनों एंड्स पे मिलेंगे, ठीक है. यू विल ऑल्सो फाइंड 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग्स एट द एंड्स. ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके पास कैरोटीनॉइड्स. बाकी जो मैंने आपको बात बताई है, अगर आप एनटीएस के पास पेपर्स भी देख लेंगे तो ये भी टॉपिक आपको मिसिंग नहीं मिलेगा, उसमें से सवाल इससे भी पूछे गए हैं. मैंने आपको ये बात मिसाल देके समझाई है कि कोई गाजर खाए तो उसकी आंखें तेज कैसे होंगी. तो गाजर में एक्चुअली मौजूद होता है कैरोटीन. किसी ने कैरेट खाई तो कैरोटीन बॉडी में जाके ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद वो कैरोटीन जो है वो टूट के बनाएगा विटामिन ए. कहना क्या चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं ये तीनों आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, इस वजह से आपने इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखा. अच्छा, ये स्टीरॉइड्स के अंदर एक एग्जांपल और है, विटामिन डी. ठीक है, विटामिन डी भी इसी के अंदर आ जाता है. ओके, तो आपको तीन चीजें मिल रही हैं, टर्पीन्स, स्टेरॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स. ठीक है, इसके बाद आइए आपसे बात करूंगा न्यूक्लिक एसिड के बारे में. न्यूक्लिक एसिड के अंदर आप लोग अपने जहन में रिकॉल कर लें, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं. ठीक है, तीन तरह के न्यूक्लियोटाइड्स आपको मिलेंगे, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, डाइन्यूक्लियोटाइड्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, तीन तरह के आपको न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, मोनो, डाई एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. मैं इतनी देर जो रुका हूं वो ये है कि आप इस दौरान कम से कम याद कर लें. ठीक है, बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है साथ साथ याद कर लें. आप हमें से बड़ी तादाद हुए जो घर बैठ के पढ़ती नहीं है, याद नहीं कर सकते. चले, न्यूक्लिक एसिड में मोनो, डाय और पॉलीन्यूक्लियोटाइड अपने जहन में आप रिकॉल कर लें. मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाई न्यूक्लियोटाइड, एग्जाम्पल बताइए अली मोहम्मद नासिर. सर, एडमिसिन मोनोफॉस्फेट मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल होगी, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जब तक डीएनए आरएनए आ गया नहीं. जी सर, और डाइन्यूक्लियोटाइड में इसकी एग्जांपल थी सर, एक्सेलेंट रिकॉल कर रहा हूँ.
NADH, NADPH, NADH और FAD सर, FADH2, ठीक है। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड में मोनोन्यूक्लियोटाइड में आप सबको पता है ATP, GTP, CTP और UTP। ध्यान में रख लें TTP कुछ भी नहीं होता, TTP एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ATP, GTP, CTP और UTP। इसके बाद आ जाइए फर्दर डाई न्यूक्लियोटाइड्स में, आपके पास NADH, NADPH, FADH2, ठीक है, याद आ जाए। इसके अलावा आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आपके पास आ जाता है DNA और RNA, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आपके पास आ जाता है DNA और RNA। चलें, इसमें बताने को कुछ भी नहीं है, जितने मोनोन्यूक्लियोटाइड अगर आपने नाम पढ़े अभी मैंने आपको नाम बोले ATP, GTP, CTP, UTP, ये सारे की सारी एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। डायन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करें तो डायन्यूक्लियोटाइड ये भी एनर्जी करेंसी है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स RNA आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली रोल प्ले करता है, और DNA के बारे में बात करें तो DNA जो है दरअसल हेरिडिटरी मैसेज ट्रांसमिशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, अपने ध्यान में रिकॉल कर लें प्यूरीन बेसिस कौन सी है, पायरिमिडीन बेसिस कौन सी। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड और पॉली न्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड। मैं आपको सिर्फ न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसमें तीन चीजें होती हैं। आप इसे हर बंदा अपना महासभा कर सकता है कि आपको कितना आता है। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड की तीन चीजें नहीं आती तो आप समझ लेंगे आप क्या करेंगे। पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजिनस बेस है और फॉस्फेट पार्ट, ठीक है। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड एंड फॉस्फेट पार्ट। ठीक है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट पार्ट। ये तीन चीजें आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा होती हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट पार्ट। अब जो नाइट्रोजिनस बेस है इसमें आपको प्यूरीन बेसिस भी मिल सकती है और आपको पायरिमिडीन बेसिस भी मिल सकती है। There may be purine bases, there may be pyrimidine bases. Purine bases में आपको मिलेगी adenine और guanine. Pyrimidine bases के अंदर आपको मिलेगी cytosine, thymine and uracil. Cytosine, thymine and uracil.
ठीक है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल आपको मिलेगी, पायरामिडीन बेसिस। साइटोसिन और थायमिन डीएनए में होती है, और साइटोसिन और यूरेसिल आपके पास आरएनए के अंदर होती है। ठीक है, बाकी सारी बेटा एग्जांपल्स आपको बतानी चाहिए। नासिर से मैंने पूछा तो उन्होंने एएमपी बोला है, आप एएमपी की बात करें एटीपी की बात करें, एक ही बात, एटीपी जीटीपी सीटीपी यूटीपी। अब चाहे ट्राइफॉस्फेट हो चाहे मोनोफॉस्फेट हो, ये सबके लिए यही बात है, एनएडीएच एनएडीपीएच FADH2। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर आपके पास डीएनए आ जाता है, आरएनए आ जाता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो है वो डीएनए आ जाता है, आरएनए आ जाता है। चले इसके बाद आइए कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ो। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल अपने ध्यान में आप रिकॉल कर लें, न्यूक्लियो प्रोटीन कौन से हैं, और ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोर्ड मुझे बोर्ड मिटाना है, उसको जरा जल्दी से अपने पास लिख लें। अगले 10 साल के लिए ये प्यूरीन पायरिमिडीन बेस पे आपसे सवाल किया जाता रहेगा, तो बराए मेहरबानी इसको सही से याद कर लें। ठीक है, प्यूरीन पायरिमिडीन जो है इस पे अगले 10 साल तक आपसे सवाल किया जाता रहेगा, बराए मेहरबानी इसको जरा सही से देख लें। चलें कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स में आपको मिलेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स के अंदर आपको मिलेगा हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन है, इसके गिर डीएनए जो है वो दो बार लिखता हुआ, दिस इज डीएनए एंड दिस इज हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, डीएनए मौजूद है और हिस्टोन प्रोटीन,
चले इसके बाद आई है न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बाद लाइकोप्रोटीन्स। लाइकोप्रोटीन्स में लिपिड और प्रोटीन्स मिलेंगे आपको, फॉर एग्जांपल लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइकोप्रोटीन्स। अगर कोई अपना ब्लड लिपिड प्रोफाइल कराना, अगर कोई इंसान अपना लिपिड प्रोफाइल कराने जाता है किसी लेबोरेटरी में, दूसरे लफ्जों में लेमन लैंग्वेज में कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराने अगर जाता है, तो लेबोरेटरी वाले जिस अंदाज में उसको रिजल्ट देते हैं वो देते हैं एचडीएल और एलडीएल की फॉर्म, कि आपका एचडीएल का लेवल इतना है, आपका एलडीएल का लेवल इतना है। इससे क्या पता चलता है, इससे उस इंसान का जो कोलेस्ट्रॉल का स्टेटस है ब्लड में वो पता चलता है। ठीक है, एलडीएल एचडीएल से उसके कोलेस्ट्रॉल का स्टेटस एक्चुअली पता चलता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड में लिपिड सर्कुलेट करते हैं, तो इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन जो है वो सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन सर्कुलेट करते हैं, तो इसलिए जो लिखा हुआ है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो ये प्रोटीन और लिपिड्स इन कंबाइंड फॉर्म में सर्कुलेट करते हैं, फिर वो लिवर तक पहुंचते हैं। तो ये भी एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होगा, इसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स मौजूद हैं। इसके बाद जो दो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स आपको बता रहा हूं बहुत पूछे जाते हैं, उनमें एक आपको मिलेगा ग्लाइकोप्रोटीन और एक है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन को हम एल्ब्यूमिनाइट्स बोलते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स को हम सेरेब्रोसाइट्स बोलते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन ऑल्सो टर्म एज एल्ब्यूमिनोइड्स, और इसके अलावा आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सेरिब्रोसाइट्स। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है एग वाइट, और इसमें एग्जाम्पल आ जाती है आपके पास माइलिन शीट। न्यूरॉन के गिर जो माइलिन शीट होती है वो प्योर लिपिड नहीं होता, बल्कि वो ग्लाइकोलिपिड होता है। ग्लाइकोलिपिड से मुराद है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों कंबाइंड फॉर्म में आपके पास क्या कहलाते हैं, दोनों कंबाइंड फॉर्म में आपके पास कहलाते हैं ग्लाइकोलिपिड। सर ग्लाइकोप्रोटीन के साथ क्या लिखा है आपने, पढ़ने में नहीं आ रहा। एल्ब्यूमिनोइड्स, ए एल यू एम आई एन ओ आई डी आई डी। एल्ब्यूमिन जो है प्रोटीन का नाम है, आपने शायद पढ़ा होगा हमारे ब्लड में प्रोटीन होते हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, तो इस एल्ब्यूमिन से निकला एल्ब्यूमिनोइड, ए एल बी यू एम आई एन ओ आई डी, एल्ब्यूमिनोइड।
चलें इसके बाद आइए फर्दर, ये ऑर्गेनिक पार्ट जो था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके वेरी नेक्स्ट जो आपसे बात करनी है इसके वेरी नेक्स्ट जो आपसे बात करनी है वो आपसे बात करनी है वाटर के बारे में बात कर लेते। वाटर मैं जबानी बात करूं कि वाटर जो है वो आपके पास एक तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं इसको, इसके अंदर पोलर नॉन पोलर चीजें सारी आ जाती डिसॉल्व हो जाती। इसके अलावा पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। इसमें हाइड्रोजन एटम ऑन वन मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करता हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे आपके पास क्या मौजूद है, यहां पे आपके पास पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस वजह से डिवेलप हुई है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपके पास 3.5, हाइड्रोजन की 2.1। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस आता है आपके पास 1.4, ठीक है, डिफरेंस आता है आपके पास 1.4। तो जो डिफरेंस आपके पास 1.4 आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बड़ा डिफरेंस, ठीक है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग बनती है पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तीसरी खास बात यह है कि इसकी हाई हीट कैपेसिटी है। हाई हीट कैपेसिटी किस वजह से, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरे लिक्विड के मुकाबले में यह ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो। तो इससे क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में अगर पानी मेन सॉल्वेंट है तो ये आपके बॉडी के टेम्परेचर जो वो राइज नहीं होता बहुत जल्दी, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए कि ये कहीं जाके अब्सॉर्ब करे और फिर टेम्परेचर को राइज करे। अच्छा, हाई हीट कैपेसिटी के बाद आइए हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन जो बॉइलिंग पॉइंट पे हीट देते हैं कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो, 1 ग्राम को वो आप कहलाती है हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा है तो इसका फायदा ये है कि आसानी से बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता। घर में आपके पास सर्दियों में नारियल का तेल रखा हुआ होता है तो सर्दी पड़ती है वो जम जाता है आम टेम्परेचर पे, मतलब थोड़ी बहुत सर्दी पड़ती है कराची में तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो जम जाता है। अगर इसके बारे में आपसे बात करें तो ये जमता नहीं है, ठीक है, मतलब ये कि वो जमता नहीं। तो इसका फायदा क्या होता है आपके पास कि ये आसानी से बर्फ नहीं जमता, ठीक है, तो पानी की ये फीचर्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कोहेसिव नेचर है पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो दरअसल इसके अंदर कोहेजन में रोल प्ले कर, पानी का एक मॉलिक्यूल कहीं खींचेगा तो दूसरा मॉलिक्यूल खुद ब खुद उसके साथ खींचता चला जाएगा, ठीक है, पानी का एक मॉलिक्यूल कहीं अगर खींचेगा तो बाकी मॉलिक्यूल्स भी क्या होती है, बाकी मॉलिक्यूल्स भी उसके साथ खींचते चले जाएंगे। तो ये दरअसल इसकी कोहेसिव नेचर की वजह से, ठीक है, ड्यू टू कोहेसिव नेचर ऑफ वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इन अ स्ट्रीम फैशन, ठीक है, एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल को खींचता चला जाता है।
चले। इसके अलावा ये मुझे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंशिएट कर दो जरा करीम मलिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, दोनों में क्या फर्क है? नहीं बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट पार्ट, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर तीनों होते हैं और न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मौजूद होती है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में होती है यानी कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट पार्ट नहीं होता, ऐसा ही है। ट्रांसक्रिप्शन डिफाइन करो, ट्रांसलेशन डिफाइन करो। सर कन्वर्जन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल ये आवाज सर अब ठीक आ रही है? हां सही आ रही है। सर ट्रांसक्रिप्शन कन्वर्जन ऑफ कोडोनिक मैसेज ऑफ डीएनए इनटू मैसेंजर आरएनए for the synthesis of protein is called transcription. Translation is conversion of codonic message of messenger RNA into a protein is called translation. ठीक है, into polypeptide chain of protein called translation. ठीक है, तो एक transcription और एक translation। चैप्टर में से आप में से बेटा कोई कहीं भी किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। परीन आपने कोई बात बेटा पूछनी है तो पूछ सकती हैं आप। मैंने कोई थोड़ी तो मुझे बता सकते। मैंने फंक्शन शायद ड्रॉ किए हैं लिपिड्स के। लिपिड्स सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके अलावा इसका इंसुलेशन है, फंक्शनल रोल भी कुछ जगहों पर है। न्यूक्लिक बारे में आपको पता है, न्यूक्लिक एसिड आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपके पास डायरेक्टली इन्वॉल्व है आरएनए, और डीएनए जो है वो हेरिटेरी मैसेज ट्रांसमिशन में रोल प्ले करता है। जी नासिर बोले। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एनर्जी ब्रेकडाउन की वैल्यूज लिखी हुई थी, वो हमें याद करनी है लिपिड की, प्रोटीन्स की, न्यूक्लियोटाइड की, कि ब्रेक होने पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड। हाँ सुन लो और से 4000 किलो कैलोरीज पर मोल जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से रिलीज होती है और 9000 किलो कैलोरीज पर मोल आपके पास लिपिड से रिलीज होती है, यानी कि 1 मोल लिपिड जो है वो तकरीबन डबल से ज्यादा एनर्जी देता है जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन टूटते हैं। ये सब बात की बात आपको बता होनी चाहिए। और बाहर स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लिपिड ज्यादा एनर्जी देता है तो फिर फर्स्ट सोर्स क्यों नहीं है। याद रख लीजिए लिपिड्स ऑल्दो के ज्यादा देता है लेकिन फिर भी आपके पास फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसके बावजूद जो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लिपिड्स का बड़ा मसला उसके जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं फाइनल, वो बॉडी आसानी से एक्सक्रीट आउट नहीं करा सकती, इसलिए आपके पास लिपिड जो है वो सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे वर्क करते हैं। चलें, कोई और सवाल किसी ने करना है कर ले। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बहुत अहम चैप्टर है। ठीक है बेटा, आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, सही से आना चाहिए। ठीक है, पढ़ के आइए। ठीक है, सही से पढ़ के आइए। बात करता हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अगला चैप्टर बता दूं, इंशाल्लाह हम एंजाइम्स की बात करेंगे। मैंने आपको पीछे कहा था कि एंजाइम्स वगैरह ये जो है ये टॉपिक बड़े आसान है, आपको आने चाहिए। अच्छा, मेरी क्लास आपकी यहाँ कल भी होती है ना, तो एंजाइम कल पढ़ के आइए, आप सबसे कह रहा हूँ, ताकि हमारा ये टॉपिक फास्ट चले। आप सबसे कह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।
अच्छा एक मिनट, सवाल किसी का आया है? युसरा ने सवाल करना चाहे, प्लीज सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम ये कह रहे थे, आपने कहा कि लिपिड्स में जो है 9000 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, इसी तरह आपने ये कहा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4000 होती है, तो सर ये सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है लिपिड्स, जबकि इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है? मैं आपका माइक बंद करके आपको जवाब दे रहा हूँ। जब कार्बोहाइड्रेट टूट रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, वो तो बॉडी से बड़े आराम से एक्सक्रीट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बड़े आराम से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, तो उसका कोई मसला नहीं है एक्सक्रीट कराने का, तो इसलिए फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड जब टूटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनती, रादर आपके पास बनता है एसिटाइल कोए और दूसरे ऐसे कंपाउंड बनते हैं उसको बॉडी बासानी एक्सक्रीट आउट नहीं करा पाती। जब मैंने 9000 किलो कैलोरीज वाली बात बताई है तो उसी के आगे मैंने आपको ये रीजन भी बता दिया, जो ब्रेकडाउन के बाद रिस्पायरेटरी ब्रेकडाउन के बाद जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं लिपिड से, तो बॉडी उसको बासानी एक्सक्रीट नहीं करा पाती, इसलिए आपके पास वो जो है सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर बिहेव करती है। चलें, कोई क्वेश्चन पूछना होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा बेटा, मेरी क्लास नेक्स्ट कंटिन्यू है। थैंक यू सो मच।